सारे बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम नया साल है, आज एडिटर का लेटर आपके लिए लेकर आए हैं। एक ही फॉर्मेट पे आप कई सारे लेटर्स आप है लिख सकते हैं इस फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से आपको लिखना है लेटर, कैसे आपको करना है, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे बात आती है एडिटर की। एडिटर पे लेटर आ जाता है, राइट अ लेटर टू एडिटर अबाउट पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस, अबाउट क्लीननेस, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एक ही फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे, हमें मालूम है कि जब हम एडिटर का लेटर लिखने चालू करेंगे तो क्या होता है कि हमें एक ही लाइन पे इसको फॉलो करना है। यहां आपको यह मालूम जरूर होगा कि ट्वेल्थ में ये 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स कवर होते हैं इससे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि 10 नंबर हमें ये कैसे लाने हैं, लाना ही है तुमको पड़ेगा 10 नंबर। 10 में 10 मार्क्स आ सकते हैं कि एक फॉर्मेट हम तैयार कर लें, सारे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे इसमें कवर हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं अपने आइडियाज से। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ की है। आपको जब कॉपी मिलेगी तो इस लाइन के थ्रू जो एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल से, या फिर आपको लाइन लगी हुई आपको मिले तो आप उस लाइन को ही आप छोड़ेंगे नहीं। पहले तो आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखते हैं, यहां पे अपना एड्रेस लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जब भी आपको कॉपी में लेटर लिखना शुरू करें एडिटर का, तो फॉर्मेट यही जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। बहुत सारे टॉपिक आपको दिए जाएंगे, कोई एक टॉपिक आपको मिल गया तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो सकते हैं, और कैसे लिखना है ये मैटर हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखा जाता है लेटर में हमें एड्रेस को, एड्रेस को लिखा जाता है। तो हम कोई भी अपना एड्रेस लिख दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप वहां पे वहां का एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 16 माल रोड लखनऊ, पिन कोड डाल दिया, तो ये हमारा एड्रेस का पार्ट कवर हुआ। तो एड्रेस हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये हो गया एड्रेस का। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ना है आपको, एक लाइन आप छोड़ देंगे एड्रेस के बाद। लेटर का फॉर्मेट बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स आपको लाने हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले शुरुआत में जब आएंगे पेज खोलेंगे, पेज में मार्जिन बनी हुई है तो मार्जिन आप बनी हुई है तो आप मार्जिन के थ्रू बनाएंगे। अगर मार्जिन नहीं बनी है तो आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करिए, उस लाइन से ही आपको चिपका के ही आपको ये लिखना है लाइन को। पहले मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा, मैंने एड्रेस लिख दिया 16 माल रोड लखनऊ 226001, मैंने एड्रेस लिख दिया। मैंने अपना लिखा लेकिन आप लोग अपना एड्रेस डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैंने यहां देखो लाइन खींची, मतलब इसका मतलब हो गया कि हमें एक लाइन छोड़ना है, वी हैव टू लीव वन लाइन। देन मेंशन द डेट, जैसे आज 1 तारीख है, 1/1/2024 नया साल है, और ये उसी लिए मैं फॉर्मेट लेकर आया हूं, आप ये 10 नंबर लाए। तो यहां पे मैंने 1/1/2024 लिख दिया। क्या काम किया, पहले एड्रेस लिखा, फिर मैंने डेट डाला, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट डाला, फिर मैं एक लाइन छोड़ूंगा, डेट के बाद मैं एक लाइन छोड़ दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लाइन बनाई है ताकि इसका मतलब होता है एक लाइन आपको छोड़ना है इनके बीच में। मैंने डेट डालने के बाद एक लाइन छोड़ा, फिर किसको लिख रहे हैं लेटर, एडिटर को लिख रहे हैं ना, तो द एडिटर। अब एडिटर क्या होता है, एडिटर होता है संवाददाता, मतलब पत्रकार। आप किसी हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना चाहें तो हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना होगा, या टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दीजिए, दैनिक जागरण डाल दीजिए, जो भी आप किसी को भेजना चाहते हैं आप उसका यहां पे एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम आपकी जो मर्जी हो, जिसको भेजना चाहे। मैंने यहां पे लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, पेपर का नाम लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। देन कहां पे है, जिले पे ही होता है,
जिला मतलब जंक्शन में ही होता है, तो हमने लिखा लखनऊ, फिर उसका पिन कोड 226505। तो ये हमारा क्या हो गया कि पहले मैंने अपना एड्रेस डाला, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर उसके बाद मैंने डेट डाली, फिर मैंने एक लाइन छोड़ा, फिर वहां पे जो न्यूज़पेपर है उसको हमने उसके एड्रेस लिखा, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, पिन कोड डाल दिया। देन आफ्टर हमें फिर एक लाइन छोड़ना है। मेरी बात समझ में आई? बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो दो बार देखेंगे या एक बार देखेंगे आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा और आपको लिखना आ जाएगा हाउ वी हैव टू राइट द लेटर। तो यहां पे ये बात कितनी समझ में आई, यहां पे एक लाइन छोड़ा तो मैं यहां पे पहुंचा जब मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब भी हम बड़े अधिकारियों को लेटर लिखते हैं तो वो पूरा टाइम नहीं देता देखने के लिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट देख लेता है, प्रॉब्लम आपका क्या है, इश्यू क्या है तुम्हारी, तो इसीलिए लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे टॉपिक आपको मिल गया, राइट ए लेटर टू एडिटर क्लीननेस ऑफ योर सिटी, तो मैंने सब्जेक्ट पकड़ लिया क्या, क्लीननेस इन सिटी, सफाई अभियान, तो क्लीननेस ऑफ सिटी हमने सब्जेक्ट में मेंशन कर दिया। फिर हमने लिखा डियर सर या मैडम, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, डियर सर या फिर मैडम, आप जो भी लिखना चाहो आप यहां पे मेंशन कर देंगे। इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई होगी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसी बच्चे ने सही लिख दिया तो समझ लो उसके चार नंबर इसी से ही इंक्लूड होता है। फोर मार्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस एड्रेसेस, हाउ यू हैव टू राइट द एड्रेस, यहां अपना एड्रेस, यहां पे किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस। तो उसके बाद हम डियर सर और मैडम के बाद हम क्या लिखेंगे वो आपको याद कर लेनी है। और बाद में ये हमने डॉट डॉट लगाए हैं, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है डॉट लगाया, यहां देखो अबाउट डॉट डॉट डॉट, फिर एक लाइन हमने डॉट 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 लगाए, मतलब ये जो लाइन हमने छोड़ी है वो आपको लिखनी है। तो कैसे लिखनी है, वो जो टॉपिक आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन लिखनी है, ठीक है। देखिए कहां से शुरू करते हैं, अब डियर सर मैडम थ्रू द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, मतलब मेरी बात समझना कि यहां बताया गया ये जो हम आपके कॉलम चाहते हैं, एक कॉलम चाहते हैं न्यूज़पेपर में, एक हमारा एड डाल दीजिए क्या, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मतलब जो हाईएस्ट अथॉरिटी में लोग बैठे हैं वो अटेंशन दें, उस बात को अटेंशन दें जो हमारे लोकेलिटी में प्रॉब्लम फेस हो रही है। अगर आप मेरी न्यूज है अपने कॉलम में लगाते हैं तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं वो जब देखेंगे तो वो एक्शन में ही आएंगे, मतलब यहीं पे यही बात हुई है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड प्रॉब्लम, जो मेरी प्रॉब्लम है उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, किसके द्वारा, आपके द्वारा। यही दो लाइनें बताई गई हैं। लास्ट 15 डेज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम अबाउट, यानी कि ये जो दिक्कतें हैं, दिक्कत जो है वो 15 दिनों से मैं फेस कर रहा हूं। अबाउट देखो मैंने यहां रोक दिया, अबाउट ये अबाउट के बाद तुमको ही ऐड करना है जो आपको टॉपिक मिलेगा, ये टॉपिक मिलेगा वो आपको यहां पे आपको ही ऐड करनी है। तो देन लाइन जहां भी खत्म हो रही है, आप सपोज सेंटेंस को यहां से ऐड कर रहे हो और सपोज यहां पे आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है तो आप हैं इसके ये जो लाइन है यहां से नहीं जोड़ेंगे, ये नेक्स्ट लाइन के लिए है। आपका आपने सेंटेंस लिखा कि अबाउट द क्लीननेस ऑफ माय सिटी, समझे, वी हैव गॉन सेवरल टाइम, आपने कुछ भी आपने ओन वे में टॉपिक के अकॉर्डिंग यहां पे आपने भर दिया, लिख दिया दो लाइन केवल, टू या थ्री लाइन जो भी आपका है, यहां टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। प्रॉब्लम अबाउट
अबाउट यहां दिया हुआ है, प्रॉब्लम है क्या आपकी, वो यहां पे ऐड कर देना। जब ऐड करेंगे सेंटेंस बाई द वे यहां खत्म हुआ तो यहां के बाद आप यहां से नहीं शुरू कर देंगे, ये लाइन नेक्स्ट के लिए है, कोई लाइन छोड़नी नहीं है, कुछ भी नहीं करनी है। आप यहां पे जब आएंगे तो लिखेंगे वी हैव फेसिंग दिस प्रॉब्लम, जो मेरी प्रॉब्लम है वो यहां बता रहे हैं, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, सो प्लीज एड दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, और ये जो न्यूज है वो आप मेरी अपनी न्यूज़पेपर में एड कर लीजिए। आई एम हाईली, नेक्स्ट लाइन, फिर यहां पे देखो खत्म हो गया, मैंने इसके आगे नहीं लिखा, मैंने यहां पे नेक्स्ट लाइन फॉलो किया, क्या फॉलो किया, आई एम हाईली ऑब्लाइज टू यू, ये आप मेंशन कर देंगे, देन आफ्टर यहां पे नहीं लीव कर देंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे लिखेंगे योर फेथफुली एक्स वाई जेड। ये फॉर्मेट है जो आपको 10 मार्क्स दिलाएगा, बस एक काम याद करना, ये फॉर्मेट आपको याद हो जाए तो बस एक काम आपके लिए रहेगा कि अगर टॉपिक कौन सा आया, क्लीननेस पे आया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस के बारे में आया कि पॉल्यूटेड वाटर पे आया, चैन स्नेचिंग पे आया, बहुत सारे टॉपिक ये कवर करेगा आपका, बस आपको ये फॉर्मेट याद कर लेना है। और एक बात याद रखिएगा, जो टॉपिक आपको एग्जामिनेशन मिले तो उस टॉपिक के बारे में यहां पे दो लाइन केवल आपको लिखना है, अबाउट के बाद आप है दो लाइनें उसको ऐड कर लेंगे अपने ओन वे में लिख के, और उसके बाद फॉलो कर लेना, ये स्टेप लिख लेना, फिर ये वाला स्टेप लिख लेना, फिर यो से फुली और फिर एक्स वाई जेड। और एक याद रख, एक बात याद रखिएगा कि हर एक लाइन को देखो, मैंने लाइन से लिखा, आपने स्केल से लाइन ड्रॉ किया या आपकी लाइन बनी बनाई आई तो आप इसी लाइन से ही आप लेटर को लिखेंगे। आप बच्चे क्या करते हैं कि ये एड्रेस इधर लिख दिया, एडिटर उधर चिपका दिया, ये इधर लिख दिया, ये सब आपको नहीं करना है, आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना ही होगा। तो ये कैसा लगा लेटर हमारा, और कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर कमेंट हमारे अच्छे आते हैं तो कंप्लेंट का भी फॉर्मेट आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। मैं साइड में होता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसके बाद आप हमें बताइएगा कि कैसा लगा। तो जिसने शेयर नहीं किया है शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों को पहुंचे। थैंक यू।